इस हमारी जो अभी तक की ये ऐप है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक पेज है और एक ही कंपोनेंट है, लेकिन आम तौर पे हमारी ऐप में सिर्फ एक पेज या एक कंपोनेंट नहीं होता है, हमारे पास मल्टीपल पेजेस होते हैं। मिसाल के तौर पे एक होम पेज होगा, एक अबाउट का पेज हो सकता है, या अगर कोई जैसे फेसबुक टाइप की भी एप्लीकेशन है तो प्रोफाइल का पेज एक अलग होता है, फीड का पेज अलग होता है। तो ये अलग अलग पेजेस में और ये कंपोनेंट बेस्ड तरीके से हम चल रहे हैं, तो इसमें अलग अलग पेजेस का कॉन्सेप्ट कैसे आएगा तो वो हमने देखना है। अच्छा, आइडियली हमारे पास, आइडियली या बाई डिफ़ॉल्ट कह लो इसको, बाई डिफ़ॉल्ट हमारे पास हर पेज एटलीस्ट एक कंपोनेंट तो होगा। सही, तो हमने क्या करना है, पहले चार कंपोनेंट बना लेने। सही है, चार कंपोनेंट पहले मैंने बनाने हैं, फिर उसको मैं पेज के तौर पे कैसे सेटअप करूँगा वो हम उसके बाद करेंगे। अच्छा, हमारे पास इस वक्त एक कंपोनेंट यहाँ पे बना हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड ऐप। सही है, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके इस ऐप को हम होम कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, इसका नाम मैं चेंज भी कर सकता हूँ, चाहूँ तो मैं इसको होम कर दूँ। ठीक है, इसको हम होम कंसिडर कर लेते हैं। होम के अलावा मेरे पास क्या क्या हो सकता है, मैंने कहा भाई फंक्शन अबाउट, ठीक है, और क्योंकि ये जे एस एक्स है तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा जे एस एक्स से कर, क्या हो रही है, आई एम अबाउट पेज। सही है, ये अबाउट कंपोनेंट। अच्छा, इसी तरीके से मेरे पास हो सकता है एक अदद, कौन सा कंपोनेंट वाला, कॉन्टैक्ट, और कौन सा हो सकता है, ब्लॉग, गैलरी, गैलरी। सही है, तो अच्छा कंपोनेंट के नाम ना इसका पहला कैरेक्टर हमेशा बड़ा होता है, ठीक है, अदरवाइज ये काम नहीं करता, ये और करना बात ही है। सही है, अंदर तो भले मैं स्मॉल से भी लिख दूँ, सही है, स्मॉल से ही लिख देता हूँ, लेकिन कंपोनेंट का नाम एक्चुअली मुझे कैपिटल से चाहिए होता है। अब मेरे पास ये तीन कंपोनेंट ये हो गए और चौथा मेरे पास ये, तो ये टोटल चार कंपोनेंट है मेरे पास। अब इन चार कंपोनेंट्स को मुझे चार डिफरेंट पेजेस की सूरत में क्या करना है, यूज़ करना है। ठीक है, कि भाई ये मेरे पास एक स्क्रीन है, उसमें चार ऊपर बटन आ रहे हो, और उन चार बटन्स के ऊपर मैं क्या करूँगा, एक कंपोनेंट कॉल करा दूंगा। अच्छा, असल में रिएक्ट के अंदर तो इसको हम कहते हैं राउटिंग एक्चुअली। अब असल में रिएक्ट के अंदर राउटिंग होती कैसे, इसको बहुत गौर से समझना। रिएक्ट के अंदर पेज कभी भी चेंज नहीं होता, क्योंकि ये सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है बाय डिफ़ॉल्ट, तो एक ही पेज होता है, एक ही स्क्रीन होती है, पेज कभी भी चेंज नहीं होता। फिर होता क्या है, फिर होता ये है असल में कि मेरे पास ना एक स्क्रीन है ये वाली, और अगर मैं इसमें जो राउटिंग की जो क्लासिक अप्रोच है जो अभी हम करने वाले हैं, उसमें कंडीशनली ना ये पार्ट हट जाता है और कुछ और आ जाता है, या ये कह लो कि फिलहाल जो कंपोनेंट है ये हटा दिया जाता है और इसकी जगह दूसरा कंपोनेंट डिस्प्ले करवा दिया जाता है। तो दिस इज हाउ राउटिंग वर्क्स। अच्छा, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे टॉप पे एक कंपोनेंट ऐसा चाहिए जो हर वक्त सेम रहे, हाँ, जो स्विच करने के लिए काम आएगा। तो हम क्या करते हैं, ये ऐप का जो कंपोनेंट है ना, इसका सारा जो अंदर का तंत्र उड़ा है, इसको हम कट करके बाहर निकाल लेते हैं यहाँ से, और इसको भी एक हम कहते हैं कि भाई आप भी एक क्या हो, एक आप भी होम इधर, ठीक है, और इसके अंदर मैंने ये सारा आइटम पेस्ट कर दिया। तो अब मेरे पास एक्चुअली क्या है, अब मेरे पास ये चारों कंपोनेंट अलग अलग हैं। अब यहाँ पे मैंने दरमियान में आके क्या करना है, यहाँ पे आके दरमियान में आके मैंने ऐसे रिटर्न कॉल किया, और ऑब्वियसली एक अदद मेरे पास जो है वो डिव होगा यहाँ पे। सही है, अच्छा अब क्योंकि इसके अंदर कोई लॉजिक नहीं है तो मैं रिटर्न का कीवर्ड हटा सकता हूँ, ठीक है, ऐसे करके लगा सकता हूँ मैं इसको, राइट, ये हमने देखा था उधर के कैसे लगता है ये। इसको मैं ES6 का फंक्शन बना लेता हूँ, मैं कहता हूँ कॉन्स्ट ऐप इक्वल्स टू ऐसे करके, राइट। अब ये वाला वो जो पेज है ये हमेशा फिक्स रहेगा। अब फिक्स पेज के ऊपर मुझे सबसे पहले तो एक अदद बनाना है नेविगेशन बार, क्योंकि नेविगेशन बार फिक्स रहता है, ठीक है। नेविगेशन बार कैसे बनता है भाई, इसमें UL बनता है और LI बनता है, और फिर उसके अंदर एंकर टैग बनता है, ठीक है। तो एंकर टैग पे मैंने क्या किया, इस पर मैंने हैश लगा दिया ताकि इससे इसको दबाने से कुछ हो नहीं, हैश लगाने का मतलब होता है कि इसको दबाने से कुछ ना हो। मैंने कहा होम
और ठीक है, कॉन्टैक्ट, और क्या था मेरे पास? अबाउट और गैलरी, सही है, गैलरी बिल के पहले होता है, सही है, कॉन्टैक्ट है और अबाउट है लास्ट, तो ये सीक्वेंस सही है। ठीक हो गया, तो कुछ इस तरह की चीज़ आ गई है यहाँ पे, एक आदत डिवो का मेरा, या उसको कह लो कंटेंट कह लो। अबे ठीक है, सेगमेंट कहते हैं, कंटेंट कहते हैं, क्या कहते हैं भूल गया मैं, खैर डिव बना लो इसको। ठीक है, वो HTML5 के अंदर ना एक लेआउट है कि भाई टॉप वाला नैव होगा, नीचे वाला फुटर होगा, साइड वाला असाइड होगा ASID, और बीच वाले को पता नहीं कंटेंट कहते हैं। ठीक है, तो टैग के नाम डिफरेंट हो सकते हैं, वो आप देख लीजिएगा कि क्या होता है। तो फिलहाल हमने क्या कर दिया, इसको डिव बना दिया। अच्छा, एक फूटर भी रख सकता हूँ मैं जो फिक्स रहेगा। ठीक है, एक फूटर भी रख सकता हूँ मैं, मैंने कहा दिस इज फूटर। ठीक है, और मैंने कहा कि भाई 2023 और कॉपीराइट रिजर्व, सही है। फूटर असल में इन्हीं कामों के लिए इस्तेमाल होता है, उसमें कॉपीराइट वगैरह की कुछ डिटेल्स होती हैं, वो लिखी होती हैं, छोटे मोटे कोई लिंक्स होते हैं वो इसमें बने होते हैं। तो मेरे पास कुछ इस तरह का ही हो गया। अभी मेरे पास दरमियान में जो आइटम था वो क्या है, उसमें क्योंकि कुछ है नहीं, तो मैं उसमें एक H1 लगा देता हूँ कि IM कॉन्टेंट, सही है। ये बीच वाला पार्ट जो है ना, ये कॉन्टेंट है मेरा एक्चुअली। अब इस कंटेंट वाले पार्ट को अगर मैं होम के क्लिक करने पे, गैलरी पे, कॉन्टेक्ट पे और अबाउट पे क्लिक होने की सूरत में मैं दरमियान वाला आइटम चेंज कर दूं, तो राउटिंग हो गई, सही है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये करूँगा, यहाँ पे मैं एक आदत बनाऊँगा स्टेट। ठीक है, और स्टेट में क्या करूँगा, मैं 1 2 3 4 कर सकता हूँ, और मैं इसके ऊपर बटन पे क्लिक पे लगा दूंगा कि यार इस पे क्लिक होने से 1 हो जाए स्टेट, इस पे क्लिक होने से 2 हो जाए, इस पे क्लिक होने से 3 हो जाए, और नीचे मैं कंडीशनली उसको रिप्लेस करता रहूँगा वैसे। तो ये मैं कर सकता हूँ, और इसी तरह से होती है राउटिंग, लेकिन हम ये एक लाइब्रेरी के थ्रू करते हैं। ये काम अगर हम खुद से करेंगे ऑब्वियसली मेहनत लगेगी, टाइम लगेगा ज़्यादा, फिर उसको लॉजिक्स को देखना पड़ेगा, फिर ना सिर्फ मुझे बीच का ये आइटम रिप्लेस करवाना है, बल्कि मुझे URL में भी वो पार्ट ऐड करवाना है। आप देखेंगे अभी वो URL भी साथ साथ चेंज हो रहा होता है, लेकिन पेज नहीं रिलोड होता। तो वो काम ऐसे होगा, वो उसके लिए रिएक्ट राउटर डॉम करके एक चीज़ है हमारे पास, और ये रिएक्ट राउटर डॉम की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बहुत ही वाहियात है, लास्ट टाइम भी मैं इसके साथ बहुत ख्वार हुआ था। बहुत ज़्यादा इसने मुझे क्या किया था लास्ट टाइम भी, वो कर दिया था। अब यार देखो ना, इन्होंने कहीं ढंग का वही नहीं बनाया, क्या बोले बंदा इनको। ट्यूटोरियल तो कर दिया इसने, इंस्टॉलेशन वाइट को बीच में इन्वॉल्व किया है इसने बेवकूफ ने। इसको इंस्टॉल करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है, NPM I रिएक्ट डैश राउटर डैश डॉम, एंटर। ठीक है, ये मैंने फ्रंट एंड पे रिएक्ट की ऐप में इसको इंस्टॉल किया है, सही है। ये सर्वर वगैरह पे इंस्टॉल नहीं होगा, ये रिएक्ट की ऐप में इंस्टॉल होगा। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या काम करना है, उसके बाद मैंने इसको इम्पोर्ट करना है, सही है। कहाँ पे इम्पोर्ट करना है मुझे, इंडेक्स की फाइल में। बहुत कंफ्यूजिंग कर दिया, बहुत कंफ्यूजिंग। ठीक है, बेहतर ये है कि मैं इनकी डॉक्यूमेंटेशन को फ़िलहाल फॉलो ना करूं,
मेरा ही खुद का लिखा हुआ पुराना कोड है, उसी को फॉलो करो। अच्छा लास्ट मैंने ये चीज़ कहाँ पर पढ़ाई है, सेक्शन ए में पढ़ाई है मैंने, राइट। बनी भी है, नहीं फाइव नहीं करना मुझे, सिक्स ही है। सेक्शन ए ये रहा, इसमें मैंने पढ़ाई ये चीज़ है रिएक्ट। ये कौन सा सीन है, चैट ऐप में हुआ है काम, मुझे याद है मैंने दो फोल्डर बनाए थे, ये रेकमेंडेड एक नॉट रेकमेंडेड, वो शायद तुम्हारी क्लास में नहीं हुआ, फिर कहीं और हुआ। अच्छा तो सबसे पहले तो मुझे ना इंडेक्स डॉट जे एस के अंदर क्या करना होता है, ऐसे इसका ये प्रोवाइडर है, ठीक है ये प्रोवाइडर मैंने लगाना होता है, ठीक है। अब ये चीज़ मैं उसमें ढूंढ रहा था, ये चीज़ मुझे उसमें नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पे प्रोवाइडर इसने देखो किस तरह लगाया हुआ, राउटर प्रोवाइडर करके कुछ नया कर दिया, ठीक है ना, क्रिएट ब्राउज़र राउटर, और क्रिएट ब्राउज़र राउटर करके राउटर बनाया इसने, और ये पाथ बनाया और ये यहाँ पे पास कर दिया। अच्छा तुम क्या कह रहे हो, ये वर्जन नया वाला है, मैं मुझे फाइव देखना है। जी सर। अच्छा तो मैं फोर और फाइव पे क्लिक कर देता हूँ। नहीं सर वो उसका लिंक पूरा जी वाला है। इसमें तो ये स्विच वाला सिंटैक्स बता रहा है, ये भी पुराना है, मुझे ये नहीं करना, नया वाला करना है। यार पिक अ राउटर, करना मुझे यही है, लेकिन जो इन्होंने बताया ना ये पता नहीं क्या बता दिया। क्रिएट ब्राउज़र राउटर में जाके देखता हूँ, यहाँ इन्होंने शायद बेहतर तरीका बताया होगा। अब प्रोवाइडर में ये राउटर पास कर दे रहे हैं ना, ये कहाँ से कर रहे हैं, अजीब सा कुछ कर दिया इन्होंने। इंस्टॉल मैंने यही किया नया वाला, वो नए वाले में ना वो वाला तरीका नहीं इन्होंने बताया कहीं। अच्छा यहाँ बताया, देखो यहाँ बताया उन्होंने, ठीक है। तो ये मैं एक्चुअली अपने कोड से ही फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन डॉक्यूमेंट में भी ये चीज़ मौजूद है। तो मैंने क्या करना है, इंडेक्स डॉट जे एस पे जाके, जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि कुछ चीज़ें इंडेक्स डॉट जे एस में लगने वाली होती हैं, तो वो यहीं पे लगती हैं फिर। और मैंने आके यहाँ पे क्या कर दिया, ब्राउज़र राउटर को यहाँ से ओपन किया और यहाँ पे क्लोज़ किया, और ऐप को उसके बीच में कर दिया। ऐप को इसके बीच में करने का मतलब समझ रहे हो, ऐप जो है पूरी ऐप चाइल्ड बन चुकी है किसकी, इस वाले कंपोनेंट की, ये जो भी कंपोनेंट है, ठीक है। और इस तरह के कंपोनेंट जो होते हैं उनको प्रोवाइडर कहते हैं, ठीक है। अच्छा प्रोवाइडर हमें कभी नहीं बनाना होता, वो बना के देते हैं लाइब्रेरी वाले, हम जस्ट लगाते हैं उसको। अब इस जब पूरी की पूरी ऐप चाइल्ड बन चुकी है इस कंपोनेंट की, तो इसका मतलब है इस कंपोनेंट के अंदर मौजूद तमाम चीज़ें मुझे बाय डिफ़ॉल्ट इसमें मिल रही होंगी, ठीक है। तो अब देखो क्या कुछ मिल रहा होता है वो आगे पता चलेगा। अच्छा अब वापस चलते हैं हम डॉक्यूमेंट में, और ये जो ब्राउज़र राउटर इसने बोला है ना, ये हमने लगा दिया। अबे यार छोड़ो इसको, यहाँ पे लिखा हुआ कोड है ना उसी से सबसे करते हैं। अच्छा यहाँ पे मैं ऐप डॉट जे एस एक्स में गया, और ऐप डॉट जे एस एक्स में जाके मैं क्या चीज़ इम्पोर्ट करूँगा, तीन चीज़ें इम्पोर्ट करूँगा यहाँ से। तीन चीज़ें इम्पोर्ट कर दी मैंने, लिंक राउट्स एंड राउट, तीन चीज़ें इम्पोर्ट कर ली मैंने। अच्छा अब मेरे पास ये जो स्वैपेबल एरिया होगा ना, ये जो एरिया जो स्वैप होगा इसमें टक टक दूसरे कंपोनेंट आ रहे होंगे, इस एरिया को मैं देखो क्या नाम दे रहा हूँ, यहाँ पे राउट्स का नाम दे रहा हूँ, ठीक है। इस एरिया को मैं पूरा राउट्स का नाम दे रहा हूँ, ठीक है। और एक वक्त में इसमें एक राउट होगा, दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे इस कोड में मैंने कहा जब स्लैश का पाथ हो तो होम दिखा दो, होम मेरे पास कहाँ मौजूद है, इसी पेज में नीचे होम मौजूद है। फिर मैंने कहा भाई स्लैश जब क्या है उसके बाद, मैंने लिंक में क्या लगाया हुआ है, गैलरी। मैंने कहा स्लैश गैलरी जब हो
तो उसमें क्या दिखा दो आप, गैलरी का कंपोनेंट दिखा दो। अच्छा एरर एलिमेंट क्या चीज़ है? एरर एलिमेंट ये चीज़ है कि अगर ये कंपोनेंट किसी वजह से लोड नहीं हो पाया तो एक पेज होगा एरर का, वो फिलहाल मैं ये एरर का एलिमेंट क्या कर देता हूँ, उड़ा देता हूँ क्योंकि इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन है, लगा सकते हैं अगर चाहें तो। गैलरी के बाद क्या चीज़ है मेरे पास? कॉन्टैक्ट। ठीक है, मैंने कहा स्लैश कॉन्टैक्ट जब हो तो ये एलिमेंट दिखाना है आपने। और एक मेरे पास चौथा भी है इस केस में, अबाउट के केस में मुझे अबाउट दिखाना है। ठीक है, तो आप नोट करो ये राउट्स के नाम से एक कंपोनेंट है जो कि मेरा क्या है, स्वैपेबल एरिया है, स्वैप हो जाता है इसमें। ठीक है, और इसमें स्वैप होने वाले चार आइटम्स होंगे, इन्हीं के दरमियान ये स्वैप हो रहा होगा, ये वाला या ये वाला। ठीक है, अच्छा क्लियर है मेरे ख्याल, ये इसमें तो कोई ऐसा कन्फ्यूजन वाली चीज़ तो नहीं है। अच्छा मैंने ऊपर देखो एक राउट्स किया था, एक राउट किया था, ये दोनों तो इस्तेमाल हो गए। ये लिंक क्या चीज़ है? लिंक ये चीज़ है कि जाहिर है जब मेरी ऐप खुलेगी तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट लोकल होस्ट 3000 यानी स्लैश के राउट पर खड़ी हुई होगी। उसको चेंज कराने के लिए मैं क्या करूँगा? मैं लिंक का इस्तेमाल करूँगा। जितने भी HRF है ना, ये जो HRF है इसको मैं क्या कर दूँगा, इसको मैं चेंज करके लिंक कर दूँगा। सही है, ये लिंक हो गई, और ये एंड में भी क्या होगा, लिंक होगा। सही है, ये लिंक ऐसे करके होगा। और इस लिंक के ऊपर अब क्या चीज़ लगेगी? एक इस लिंक के ऊपर एक वो लगेगा प्रॉप कि भाई इस लिंक पे क्लिक करने से कहाँ चला जाए। ठीक है, तो वो होगा टू। ठीक है, कि लिंक पे क्लिक करने से कहाँ चला जाए, तो मैं इसको बताऊँगा कि भाई एक पे क्लिक करने से स्लैश पे आ जाए। ठीक है, दूसरे पे क्लिक करने से दूसरे पे क्लिक करने से आप आ जाओ गैलरी पे, तीसरे पे क्लिक करने से कॉन्टैक्ट पे, चौथे पे क्लिक करने से अबाउट। ठीक है, तो ये लिंक रिगार्डलेस कि इसके अगेंस्ट कोई चीज़ कंपोनेंट मौजूद है या नहीं है, मैं गैलरी के लिंक पे क्लिक करूँगा तो ऊपर गैलरी हो जाएगा। सही है, रिगार्डलेस कि उसके अगेंस्ट नीचे कोई राउट बना हुआ है या नहीं है। तो अब आके देखते हैं हमारा ये राउटर कैसा काम कर रहा है। इसको क्या हो गया, यू आर ऑफलाइन, किस खुशी में भाई इसकी याददाश्त चली गई है। असल में ये पता है क्या हुआ भाई, ये जो क्योंकि PWA जब मैंने बनाई थी तो इसी होस्ट इसी पे चलाया था ना, तो वो असल में पुराना सर्विस वर्कर रजिस्टर हुआ हुआ, देख रहे हो ये, तो इसको मुझे अनरजिस्टर करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो यही पागल होता रहेगा वरना, समझ रहे हो। वो यहाँ जाओगे एप्लीकेशन में, यहाँ पे रजिस्टर हुआ होगा, उसको हटा दोगे। क्या हो गया इसको, अरे NPM स्टार्ट नहीं किया था मैंने इंस्टॉल करने के बाद, जब ही तो वो चल नहीं रहा था। वो इंस्टॉल किया था ना हमने रिएक्ट राउटर डॉम, उसके बाद उसको रीस्टार्ट नहीं किया था आपको, रोकने के बाद रुका वही था वो जब से। अच्छा तो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट किस पे है, ये स्लैश के राउट पे है, तो होम का कंपोनेंट दिख रहा है मुझे यहाँ। गैलरी पे जाऊँगा तो गैलरी दिख गया, कॉन्टैक्ट पे जाऊँगा तो कॉन्टैक्ट दिख गया, अबाउट पे जाऊँगा तो अबाउट दिख गया, होम पे आऊँगा तो होम दिख जाएगा। सही है, तो ये क्या हो गया, स्वैपेबल एरिया हो गया ये बीच वाला आइटम मेरा। इस तरह करके मेरे पास मल्टीपल पेजेस बनेंगे मेरी ऐप के अंदर। फूटर को फिलहाल हटा देता हूँ, इसकी शायद मुझे ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही लगा दिया था मैंने कि भाई हो सकता है फूटर। ठीक है, बट फूटर अगर लगाऊंगा तो उस पर एक CSS लगानी होगी कि वो नीचे स्टिक रहे। ठीक है, वो स्टिकी विस्टिकी करके पता नहीं क्या लगाना होता है उसमें, वो मुझे लगाना ज़रूरी होगा। अच्छा अगर कोई कंपोनेंट मुझे नहीं मिलता है तो उसके लिए फॉल बैक भी मैं लगा सकता हूँ। यहाँ पर मैं फॉल बैक कैसे लगाऊंगा, मैं यहाँ पर बोलूँगा कि भाई स्टैरिक। सही है, आई एम नॉट श्योर कि ये ऐसे ही होता है, वो डॉक्यूमेंट्स में देखना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या लग सकता है। वेल स्टैरिक पे मैं क्या बोलूँगा कि भाई होम पे ले लो, कोई अगर ऐसा URL ना जो होम जो नहीं हो, एग्जिस्ट नहीं करता हो, तो उसको होम पे लेके चले जाओ। ठीक है, रिफ्रेश किया मैंने, अब देखो मैं स्लैश करके ना यहाँ पे कोई ABCD डालूंगा यहाँ पे, तो ये देखो होम दिखा रहा है मुझे। ठीक है, स्टैरिक की वजह से।
अच्छा, इसको करने का एक बेहतर तरीका ये कि उसको मैं रीडायरेक्ट कर दूँ, ठीक है। यहीं पे एक चीज़ होती है रीडायरेक्ट, नेविगेट है? नहीं, नेविगेट दिस ए पी आई इज मोस्टली यूजफुल इन द रिएक्ट कंपोनेंट सब क्लास आर नॉट एबल टू यूज हुक, यूज नेविगेट है ये दोनों ही, नहीं कुछ और बन जाने। एक मिनट, यहाँ डॉक्स में आ रहा होगा ना, वो डॉक्यूमेंट्स में आ रहा होगा। रीडायरेक्ट यहाँ पे आ रहा होगा। नेविगेट को भी वैसे देख लेते हैं हम क्या है ये। नेविगेट तो यूज नेविगेट करके चलता है, रीडायरेक्ट। एक रीडायरेक्ट का ना वो होता है कंपोनेंट वाला रीडायरेक्ट होता है, तो वो मैं उधर लगाऊंगा तो वो ऑटोमेटिकली क्या करता है उसको रीडायरेक्ट कर देता है। ये जो सारे हुक्स हैं, अच्छा मैं राउट ज़रा देखता हूँ कि राउट किस किस तरह के हो सकते हैं। नेविगेट है यहाँ पे, उन्होंने कहीं पे भी फॉल बैक बताया भाई नहीं है यार, नहीं बताया कहीं पे भी फॉल बैक। वेल, नेविगेट को मैं कैसे करूँगा, ऐसे और ऐसे डायरेक्ट यहाँ लगा दूँगा नेविगेट। और नेविगेट में टू लगाऊंगा मैं, एट्रीब्यूट क्या दूंगा इसको, टू, और टू करके मैं उसको बता दूंगा कि भाई स्लैश पे मूव करा दो। तो ऐसा करने से क्या होगा कि अगर कोई गलत मैंने यूआरएल दिया तो ऑटोमेटिक वो उसी यूआरएल पे वो पेज नहीं दिखाएगा बल्कि यूआरएल चेंज करा देगा, यूआरएल को स्लैश पे घुमा के ले जाएगा। तो अब मैं इधर आता हूँ, हाँ यार सही बताया तुमने, मैं स्लैश करके मैं कुछ ए बी सी डी एक्स्ट्रा डालता हूँ, एंटर किया तो वो घुमा के मुझे स्लैश पे लेकर आ गया। अच्छा, ज़रूरी नहीं है मैं स्लैश पे ले जाऊँ, मैं अबाउट पे भी ले जा सकता हूँ। मैं बोलूँ यार नहीं, जब भी कोई गलत यूआरएल डाले ना अबाउट पे ले जाओ आप उसको, सही है, गलत यूआरएल डाले अब घुमा के अबाउट पे ले जाओ, कहीं भी ले जा सकता हूँ मैं, फॉल बैक में मेरी मर्जी है, ठीक है जी। अच्छा, ये हो गया प्लेन सीधे सीधे राउटर, इसमें राउटर नेस्टेड भी हो सकते हैं, सही है। अब वो नेस्टेड राउटर हम फिलहाल कवर नहीं कर रहे यहाँ पर, लेकिन वो हो सकते हैं। अच्छा, होंगे किस तरह, जैसे देखो ये ऐप का कंपोनेंट है, ऐप के कंपोनेंट में ये स्वैपेबल एरिया बना हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे ना, इस कंपोनेंट के अंदर भी, यहाँ पे भी जो ये मैंने लिखी है ना पूरी HTML, इसमें मैं चाहता हूँ कि यार ये यहाँ पे एक स्वैपेबल एरिया बन जाए और वो स्वैप हो, ठीक है, तो ये भी मैं कर सकता हूँ। अच्छा, नेस्टेड राउटर किस जगह पे लग रहा होता है आमतौर पे, ये भी समझा देता हूँ। जैसे फेसबुक की अगर हम बात करें तो फेसबुक में टॉप पे नेविगेशन बार होता है कि होम और प्रोफाइल और सेटिंग, लेकिन जब होम पे खड़े हुए होते हो आप तो साइड में भी कुछ चीज़ें आ रही होती हैं, या सेटिंग के अंदर जब आप चले जाते हो तो टॉप वाला हैंडल रहता है अपनी जगह, लेकिन सेटिंग साइड बार पे वो लिखा हुआ होता है कि सिक्योरिटी जनरल, तो वो एक्चुअली वो राउटिंग हो रही होती है, सही है। तो इस तरह से दो राउटर आमतौर पर एक पेज पे हो सकते हैं, नेस्टेड राउटर कहते हैं उसको, ठीक है, दो या तीन भी हो सकते हैं। तो ये हो गया काम हमारा। अच्छा, इसमें एक लास्ट चीज़ जो रह गई है वो करने वाली, वो ये है कि अब मेरे पास ये जो चार कंपोनेंट है ना, बेहतर ये है कि इसको मैं चार अलग अलग फाइलों में रख दूँ, बेहतर ये कि मैं इसको यहाँ नहीं रखूँ। तो मैं सबसे पहले काम क्या करूँगा, SRC का फोल्डर है जो, इस SRC के फोल्डर में एक नया कंपोनेंट का फोल्डर बनाऊँगा, ठीक है। मैंने कहा न्यू फोल्डर कंपोनेंट्स, ठीक है, और कंपोनेंट्स के अंदर जाके एक नई फाइल बनाऊंगा मैं, जिसको मैं नाम दूंगा कि home.jsx, ठीक है, home.jsx के अलावा about.jsx, gallery.jsx और क्या था लास्ट, contact.
कॉन्टैक्ट डॉट जे एस एक्स, सही है। चार फाइल्स बना दी मैंने। अच्छा, होम को मैं यहाँ से कट करूँगा और होम पे लाके पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो सबसे पहला एरर मुझे ये क्या देगा कि भाई यूज़ इफेक्ट लगा हुआ है यहाँ, एग्जॉस्ट लगा हुआ है, उसको यहाँ पे मुझे इम्पोर्ट करना होगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं इसको जस्ट मैं कॉपी पेस्ट तो करूँ। फिलहाल ये मैंने अबाउट को कट किया और अबाउट में जाके पेस्ट कर दिया, सही है। और मैंने यहाँ से कॉन्टैक्ट को कट किया और मैंने कॉन्टैक्ट में जाके पेस्ट कर दिया। सब जगहें अपनी अपनी जगह पहुँच जाए। गैलरी को कट किया, गैलरी में ले जाके पेस्ट कर दिया, सही है। अब ये जो तमाम इम्पोर्ट्स थे उसको मैंने कॉपी किया और होम पे ले जाके यहाँ पेस्ट कर दिया। तो अब मुझे ये ऑटोमेटिकली बता देगा कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे यूज़ नहीं हो रही। ये यूज़ नहीं हो रहा, डिम हुआ है ना, ये भी यूज़ नहीं हो रहा, ठीक है। ऐप डॉट सी एस एस यहाँ पर यूज़ हो रही है, हो रही है लेकिन नहीं होनी चाहिए। हाँ, अभी मैं वही बता रहा हूँ, हो रही है लेकिन होनी नहीं चाहिए, ठीक है। उसका पाथ मैंने सही किया, ऐप डॉट सी एस एस तो एक फोल्डर पीछे है ना इससे, ठीक है। तो अब ज़रा जाके देखते हैं। अच्छा, एक काम और भी करना है ना मुझे, देखो। अब चूंकि ये अपनी अपनी फाइलों में आ चुका है अलग अलग, तो यहाँ पे से इस फंक्शन को मुझे एक्सपोर्ट भी करना होगा। एक्सपोर्ट करने का तरीका क्या है? एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और जो भी नाम है फंक्शन का वो मैं नाम रख दूँगा, सही है। ये जब तक मैं एक्सपोर्ट नहीं करूँगा, ये किसी और दूसरी फाइल में इसको मैं इम्पोर्ट नहीं कर सकता, ठीक है। और इसी लाइन को मैं सब जगह लिखना पड़ेगा मुझे, जहाँ जहाँ मैंने ये बनाया था। इसमें मैं लिखूँगा अबाउट, ठीक है, एक्सपोर्ट कर दिया इसको। यहाँ पे से भी इसको एक्सपोर्ट करना होगा, सही है। और कॉन्टैक्ट में भी इसको एक्सपोर्ट करना होगा, ठीक हो गया जी। ये चारों फाइल बन गई और अपनी अपनी जगह से एक्सपोर्ट हो गई है। अब ना सिर्फ वहाँ से एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी मुझे, बल्कि यहाँ पे उसको इम्पोर्ट भी करना पड़ेगा। इम्पोर्ट फ्रॉम कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट से इम्पोर्ट करके मैं क्या बात लिखूँगा यहाँ, उसका जो भी नाम है, ठीक है। एक का नाम है अबाउट, सही है, स्लैश अबाउट डॉट जी एस एक्स में से, सही है। उसके बाद मेरे पास है होम, जो कि होम डॉट जी एस एक्स में से, ठीक है। और क्या है भाई? होम है, गैलरी है, जो कि गैलरी में से है, ठीक है। और कॉन्टैक्ट, सही है। तो ये चारों को मैंने यहाँ पे इम्पोर्ट कर लिया। अब जो क्योंकि मैं चारों को इम्पोर्ट कर चुका हूँ, तो जब मैं इसको यहाँ यूज़ करूँगा, ये मुझे कोई एरर नहीं देगा। अदरवाइज़ ये मुझे पहले बोलता है कि भाई ये ना आप जो बता रहे हो ना होम, ये मुझे पता नहीं चल रहा कहाँ है, ठीक है। या आप जो गैलरी बोल रहे हो, गैलरी क्या है उसको पता नहीं चलेगा, ठीक है। नेविगेट भी इसी तरह क्या हुआ है, यहाँ से इम्पोर्ट हुआ है किसी जगह से, जब भी इसको पता चल रहा है कि नेविगेट एक कंपोनेंट है, उसका करना क्या है। अब चल आगे देखते हैं, देखो अब बिल्कुल सेट हो गया, होम, गैलरी, कॉन्टैक्ट, अबाउट। तो हमने इस अभी ना सिर्फ राउटिंग सीख ली है, बल्कि हमने कंपोनेंट को अलग अलग फोल्डर में ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं वो भी हमने सीख लिया। अच्छा, इसकी ऑर्गेनाइजेशन में ना एक काम हमें और भी करना है। अभी एक काम हमें और ये करना है कि भाई ये जो कंपोनेंट्स के फोल्डर में हमारे पास ये अबाउट और कॉन्टैक्ट और ये जो इस तरह नहीं होगा, हर कंपोनेंट का अपना एक अलग फोल्डर होगा, सही है। हर कंपोनेंट का अपना एक अलग, उसका रीज़न ये है, उसकी सीएसएस भी उसके साथ होगी, क्योंकि हमने जो अभी ये अगर हम होम पे जाएं तो इस पर सीएसएस मैंने किसकी लगाई हुई है, ऐप डॉट सीएसएस, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसकी खुद की होनी चाहिए होम डॉट सीएसएस, ठीक है। तो होम डॉट जेएसएक्स में होम डॉट सीएसएस इसमें साथ में होनी चाहिए। तो मैं ये ऐप डॉट सीएसएस से जाके इसको कट करूँगा, क्योंकि वहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये है होम का सीएसएस, तो ये होम के साथ होनी चाहिए। तो मैं कहूँगा होम डॉट सीएसएस और यहाँ लाके ये बात पेस्ट करूँगा। हाँ जी जी, बिल्कुल, हर कंपोनेंट का सीएसएस उसके बिल्कुल साथ बैठा हुआ होगा। अच्छा, तो इस तरीके से अब आप नोट करें कि अगर मैं होम का सीएसएस बना दिया, गैलरी का भी बना दिया, कॉन्टैक्ट भी, तो ये मिक्स हो जाएगा सारा। तो अब सबके लिए मुझे क्या करना होगा, एक्चुअली अलग अलग फोल्डर में ये काम करना पड़ेगा।
ठीक है, तो मैं अबाउट का एक फोल्डर बनाऊंगा, अबाउट अबाउट, और ये अबाउट डॉट जे एस है तो उसके अंदर कर दूंगा मैं, ठीक है। इसी तरीके से मैं एक फोल्डर बनाऊंगा कॉन्टैक्ट, और ये कॉन्टैक्ट डॉट जे एस एक्स उसके अंदर कर दूंगा मैं, सही है। अच्छा, इसी तरह फिर एक बनाऊंगा मैं गैलरी, और ये गैलरी को इसके अंदर कर दूंगा मैं, और इसी तरह मैं एक बनाऊंगा होम, और ये होम डॉट जे एस एक्स और होम डॉट सी एस एस दोनों इसके अंदर कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब यहीं तक मसला ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने इसके फोल्डर को चेंज कर दिया है, तो मुझे यहाँ पे आके होम स्लैश होम करना होगा, सही है। ये प्रॉब्लम है सर, यहाँ पर जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें एक्सटेंशन बताने की ज़रूरत है? एक्सटेंशन बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन गैलरी स्लैश गैलरी तो करना पड़ेगा ना, अदरवाइज देखो ये एरर देता रहेगा, ये कहेगा यार कि आपको जो बोला है ना अपने कॉन्टैक्ट, ये तो नहीं मिल रहा, अब आपको कॉन्टैक्ट स्लैश कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा और अबाउट स्लैश अबाउट करना पड़ेगा। हाँ नहीं, वो बाय डिफॉल्ट जे एस एक्स ही उठाएगा। अच्छा, भाई मैंने कहा ना कि भाई होम स्लैश होम कंपोनेंट स्लैश होम स्लैश होम, तो मतलब कंपोनेंट का ये फोल्डर स्लैश होम का ये फोल्डर और फिर होम ये। अच्छा, ठीक है, तो अब होम स्लैश होम का क्या हल है? होम स्लैश होम का हल ये है कि होम नहीं रखूँ, इसका नाम मैं इंडेक्स डॉट जे एस एक्स रखूँ, ठीक है। तो यहाँ से मुझे होम हटा दूँगा, इंडेक्स के नाम की फाइल खुद उठा लेता हूँ, ठीक है। इसी तरह गैलरी में जाके मैं गैलरी का नाम इंडेक्स डॉट जे एस एक्स, हमें बताने की जरूरत। तो फिर मैं गैलरी डॉट गैलरी नहीं लिखूँगा, सिर्फ गैलरी लिखूँगा, ठीक है। तो देखो अभी ये सेट हो गया होगा, किस पे एरर आ रहा है? अरे क्या बोल दिया इसने, होम डॉट जे एस एक्स पे आ रहा है, क्या सीन है ये? अभी करते हैं, क्या कह रहा है यार ये? No such file or directory. No such file or directory. Open this 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 class. React. अच्छा, वो कह रहा है ये component slash home dot jsx नहीं मिल रहा। शायद मुझे यहाँ पे एक slash. नहीं, मुझे एक slash लगाना होगा actually. ठीक है, ताकि उसको पता चले कि इसके अंदर की कोई बात है। सही है। ये slash से पता चलेगा कि इसके आगे कुछ है। ये home नहीं। वो इंडेक्स ऐसे नहीं उठाएगा, स्लैश लगाना पड़ेगा उसको, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं ना क्या फाइल का नाम डबल डबल लिखने से बच जाऊँगा अगर मैं यहाँ पे इसको इंडेक्स डॉट जे एस एक्स कर दूंगा, ठीक है। तो मैं होम के फोल्डर में गया तो इंडेक्स डॉट जे एस एक्स यहाँ पर होगा मेरे पास होम के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, सी एस एस की फाइल का नाम भले मैं सेम रखूँ, होम डॉट सी एस एस रखूँ, इट डजंट मैटर, ठीक है। और अगर इसका इंडेक्स के अलावा कोई नाम रखूँगा मैं, तो भी आइडियली इसको अगर एक ही फाइल है इसके अंदर तो उठा लेनी चाहिए, लेकिन क्या वो उठा पाता है? नहीं उठा पाता है, ठीक है, नहीं उठा पाता। इसका नाम मुझे इंडेक्स ही रखना पड़ेगा जब ही इसको पता चलेगा, अदरवाइज़ एक फ़ाइल होने से इसका मसला हल नहीं है, ठीक है जी। तो ये चार मेरे पास पेजेस बन गए, राउटिंग हमारी भी हो गई और हमारी जो कंपोनेंट को फोल्डर में ऑर्गेनाइज कैसे करना है वो भी हो गया। अच्छा, अब हर फोल्डर के साथ उसका सी एस एस होगा, और ये जो कंपोनेंट्स बने हैं मेरे, ये क्या है, इसको कह लोगे ये कंपोनेंट रीयूजेबल है। रीयूजेबल इस वजह से है कि अगर देखो मेरे पास ये होम का कंपोनेंट बना हुआ है ना, और इस पर जो भी कुछ हुआ हुआ है, अगर इस पूरे फोल्डर को मैं, जो होम के कंपोनेंट का फोल्डर है, इसको पूरे को उठाऊं मैं और किसी दूसरी रिएक्ट की ऐप में इसी जगह पे ले जाके पेस्ट करूं, ठीक है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा वहाँ? जस्ट उसको इंपोर्ट करना होगा और चलाना होगा, तो चल जाएगा वो, ठीक है। इस वजह से इसको क्या बोला जाता है कि क्या है, रीयूजेबल है, ठीक है। अच्छा, तो मैं अभी क्या करता हूँ, मैं अभी ये करता हूँ कि जो लास्ट हमने रिएक्ट की ऐप बनाई थी, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, हेलो वर्ल्ड जो पढ़ा था हमने,
उसमें हमारे पास एक अदद कंपोनेंट बनाया था ना हमने, इंडेक्स डॉट जे एस के अंदर ये पूरा कंपोनेंट बनाया था। तो ये देखो पोस्ट का कंपोनेंट है ना, ये पोस्ट के नाम से है ये कंपोनेंट। तो ये पोस्ट के नाम से जो कंपोनेंट है, इसको अगर मैं यहाँ से पूरे को मैं कट करूँ और कट करके ले जाके यहाँ पे बना दूँ, कंपोनेंट्स के अंदर जाऊँ मैं और कंपोनेंट्स के अंदर जाके मैं बोलूँ एक नया कंपोनेंट और पोस्ट, और पोस्ट के अंदर क्या इंडेक्स डॉट जे एस एक्स, और यहाँ पे ये पोस्ट पेस्ट, सही है। सी एस एस भी इसके साथ साथ ही होगी इसकी, इसकी सी एस एस हमने कहाँ लिखी थी, वहाँ पे चलता है। ठीक है, इंडेक्स डॉट सी एस एस, ठीक है। अब इस पोस्ट के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई पोस्ट डॉट सी एस एस या स्टाइल्स डॉट सी एस एस भी कर सकता हूँ मैं। ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब ये तो एक्चुअली बनाया मैंने गलत तरीके से था ना, प्लेन बना दिया था। वैसे तो हमेशा ये फोल्डर में करके बनेगा, अब इसमें मुझे इसको इम्पोर्ट करवाना होगा। ठीक है, तो ये बन के रेडी हो गया। अब मैं कहीं पर भी इसको चिपकाऊँगा तो ये चिपकेगा। अब ये चलाते कैसे थे उसको हम वो भी देखते हैं, इसको हम चलाते कैसे थे, इसको हम ऐसे करके चलाते थे, सही है। तो अब मैं क्या करने लगा हूँ, अब मैं ये करने लगा हूँ, सब बंद कर दो ज़रा। अब मैं ये करने लगा हूँ कि मेरा जो अबाउट का पेज था, ये मेरे अबाउट का पेज है, इसमें मैं इम्पोर्ट करता हूँ और इसको पेस्ट करता हूँ, चला के देखता हूँ कैसे इम्पोर्ट होगा। ये इम्पोर्ट पोस्ट, सही है, स्लैश पोस्ट के अंदर एक ही इंडेक्स है, और मैंने कहा पोस्ट में से क्या करो, इस पोस्ट को इम्पोर्ट करो। और अब मैं इसको चला के कहाँ पर देखूँगा, इसके अंदर यहाँ पे मैं चलाऊँगा तो ऑब्वियसली चल जाएगा। ये कंपोनेंट है ना, ये यूज़ हो गया ऐसे, क्या बोल दिया इसने, अच्छा वो एक्सपोर्ट नहीं है, क्योंकि एक्सपोर्ट तो वहाँ पर किया ही नहीं था हमने, इसको मुझे एक्सपोर्ट भी करना होगा। प्रोफाइल पिक्चर इज़ नॉट डिफाइंड, वो इमेज हमने असल में अलग से लगा दी थी तो इसलिए वो उसको नहीं मिल रहा। तो मैंने कहा कि भाई इमेज यूआरएल एक्चुअली होगा ये, सही है, प्रोफाइल पिक्चर की जगह इमेज यूआरएल ही लगा देते हैं कि यही हमारा इमेज यूआरएल भी होगा, यही प्रोफाइल पिक्चर भी होगा, सही है। तो जो चीज़ इधर दिखेगी वही चीज़ वहाँ पर भी दिख रही है इसमें। तो एक पोस्ट मैंने पेस्ट किया, चल गया, लेकिन इस पोस्ट को मैं क्या करूँगा, यहाँ इधर से जाके हटा दूँगा इसको। अगर मैं हटा देता हूँ तो क्या होगा, ये कंपोनेंट पोस्ट के नाम का जो कंपोनेंट है वो मेरे पास बना हुआ है, बन के रखा हुआ है अगर वो, ठीक है। हाँ, अब देखो क्या करता हूँ मैं, अब जो चीज़ है उसको गौर से समझना क्या हो रहा है। मेरे पास ये एक पोस्ट का कंपोनेंट है, इसमें क्या है, नेम है, डेट है, टेक्स्ट है, इमेज यूआरएल है और डार्क मोड ट्रू फॉल्स है ना। अच्छा, मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार नेम और डेट, डेट नहीं है बस नेम है, सही है, डेट नहीं है, थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ इसको। और इसको मैं ईच प्रोडक्ट के तौर पर यूज़ कर सकता हूँ, ईच पोस्ट के तौर पर कर सकता हूँ ना, बल्कि एज इट इज़ इसको कर देता हूँ, एज इट इज़ लगा देता हूँ। तो क्या किया मैंने, इसको मैं एज इट इज़ कर देता हूँ, जैसा ये है वैसा ही। अब ये पोस्ट का एक बना हुआ कंपोनेंट है, इसमें मुझे नेम, डेट, टेक्स्ट, इमेज यूआरएल और इस तरह चीज़ें देता हूँ मैं, तो ये चलता है। अब इसको मैं क्या करूँ, होम पे जाऊँ और होम पे जाके इसको मैं इम्पोर्ट कर लूँ, ठीक है, और पोस्ट फ्रॉम ये पोस्ट मैंने उठा ली। अब यहाँ पे जो मैं मैप चलाता हूँ, इसमें बजाय मैं डिव देने के मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैंने कमेंट किया पूरे को,
और मैंने कहा कि भाई आप रिटर्न करोगे पोस्ट, सही है। और इसको मैं क्या दूंगा, अब प्रॉप दूंगा मैं नेम की जगह पे, प्रोडक्ट नेम, ठीक है, ईच प्रोडक्ट डॉट नेम, सही है। और क्या देना होता है मुझे इसमें, कैटेगरी देना होता है, कैटेगरी को मैं डेट की जगह पे दे दूंगा कि नीचे लिखा हुआ आ जाए, डेट की जगह पे मैंने कैटेगरी दे दी, सही है। और क्या देना होता है मुझे, और डिस्क्रिप्शन की जगह वो मैं टेक्स्ट की जगह पे दे देता हूँ, टेक्स्ट की जगह पे मैं डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। और चौथी चीज़ मेरी क्या है, अब प्राइस मैं कहाँ दूँ इसको, मैंने नेम दे दिया, कैटेगरी, चलो तीन चीज़ देकर डिस्प्ले करवा देंगे क्या हो गया। अब देखो होम पे क्या होता है, ये मेरे पास प्रोडक्ट्स इस तरह डिस्प्ले हो गई सारी। तो ये कंपोनेंट की रीयूजबिलिटी की बात थोड़ी सी हमने डिस्कस कर ली, खैर इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि पहले जो था वो दैट वाज मच बेटर। अब ये कंपोनेंट की जो रीयूजबिलिटी है ये हमारी अभी चलती रहेगी कहानी, ये पूरा का पूरा जो रिएक्ट है ना ये कंपोनेंट की रीयूजबिलिटी पे ही काम करता है, यही इसकी फिलॉसफी है। तो अब मैंने इसको वापस रिवर्ट कर दिया है, लेकिन स्टिल मेरे पास ये पोस्ट का कंपोनेंट ना यहाँ पड़ा हुआ है, मैं इसको इस ऐप में या किसी दूसरी ऐप में यूज़ कर सकता हूँ, राइट। तो अब आप लोग क्या करें, 5 मिनट है हमारे पास, 10 मिनट देता हूँ मैं आपको। ये वाला काम ना जो कंपोनेंट ये कोड में पुश कर रहा हूँ, ये मैं कोड पुश कर देता हूँ, ठीक है, छोड़ यार बस खैर हो गई, ये कोड मैंने पुश कर दिया है। इसको देखकर आप सब लोगों ने क्या करना है, ये राउटिंग वाला कोड परफॉर्म कर लो एटलीस्ट अभी जाने से पहले, ठीक है। अच्छा, ये राउटिंग वाला कोड परफॉर्म कर लोगे ना तो जो भी असाइनमेंट सब बना कर लाओगे, जैसे उसमें ये इस्तेमाल करना, जैसे मैंने लास्ट अभी जो पढ़ाया तुम्हें कि काउंटर बना के लाओगे, सही है, बल्ब ऑन ऑफ वाला बना के लाओगे, तो कोशिश करना उसको अलग अलग पेजेस पे अगर हो जाए तो एक मतलब एक छोटा सा एक तुम्हारा क्या कह लो हेलो वर्ल्ड हो जाएगा एक, ठीक है, एक उसको हेलो वर्ल्ड पोर्टफोलियो हो जाएगा। ऐसा पोर्टफोलियो तो शायद वो नहीं बनेगा कि किसी को दिखा पाओ, लेकिन एक हेलो वर्ल्ड पोर्टफोलियो हो जाएगा कि यार एक पेज पे काउंटर है, एक पेज पे बल्ब ऑन ऑफ है, तीसरे पेज पे जो है वो फैच होके प्रोडक्ट्स आ रही हैं, और सॉरी वेदर ऐप, वेदर ऐप है ना तीसरे पेज पे, वेदर ऐप मैंने बनाने का आपको, और चौथे पेज पे वो इस तरह करके ना 3-4 पेज अलग अलग बना के उस पर कर लेना। तो बेसिक राउटिंग जो है ना अभी परफॉर्म कर लो जाने से पहले पहले, सही है।